मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम मेरी माँ बहने, मेरे दोस्त, मेरे जो सारे देहातों से आए हुए हैं, अभी आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि हमारे जो भाई खड़े हैं यहाँ पर, ये इन लोगों को जो है मेरी मेहनत जो है ये लोग आपको बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में 256 खेड़े हैं। मैं जितनी कोशिश हो रही है कि मैं तमाम जगह पहुंचूं, आप लोग ये सोचेंगे कि मैं इस जगह से क्यों कर रहा हूं, क्यों कि हमको संविधान बचाना है, जबकि संविधान को कोई भी माई का लाल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे लीडर चिल्ला रहे हैं कि आज वोट दो, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। ऐसे 10 मोदी भी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह संविधान बदलेगा नहीं, क्योंकि हमारे ये बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है ये बनाया हुआ कानून है। और मालेगांव शहर ही नहीं, मैं धुलिया मालेगांव हल्का पार्लियामेंट में तमाम जगह जितनी मेरी वसात पर कोशिश हो रही है, मैं अल्लाह के करम से सब जगह जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो है 1% भी जो है जीतने के वो नहीं है, तो अल्लाह का बेपना एहसान है कि मेरी माँ बहनों की दुआएं, मेरे सहरियान की दुआएं मेरे साथ है। अल्लाह ने चाहा तो 20 तारीख को 12 नंबर बैट्समैन निशानी पे आप लोग खुद देखेंगे कि कितनी वोटें मिली। ठीक है, हार जीत अल्लाह के हाथ में फैसला है, लेकिन मैं कोशिश और मेहनत कर रहा हूँ, मेरी कोशिश और मेहनत चालू है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जितने माँ बहने आए हैं ये हर एरिया के हैं। मैंने अभी जो है हर एरिया से जो है मेरी माँ बहनों को दावत दिया था, आज इतनी चिलचिलाती धूप में 44 डिग्री में मेरे दोस्त यार माँ बहने जो है ये मेरे लिए पैदल आप लोगों से होकर भीख मांगने निकली है। आज भी वक्त है मालेगांव शहरियान, आज भी वक्त है कि देख लो मेरे साथ आज यहाँ जो खड़े हैं ये कम से कम 30-35 जो है खेड़े पे के तमाम बिरादरान वतन मेरा साथ दे रहे हैं, वहाँ पूरा गांव जो है मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि मेरे पहले से ताल्लुकात है। आज आपकी वोटें लेने के वास्ते खाली नहीं आया हूँ, मैं साल के 12 महीना जो है लोगों के टच में रहता हूँ। कहीं ना कहीं मेरा व्यापार है, जमीन का कारोबार है, पावर लूम है, हर तरीके के लोग मुझसे मिलते हैं। तो आप लोग ये ना समझिए कि मैं यहाँ पे जो है 20 तारीख को 12 नंबर बटन में वोट दे करके, आप लोग ये बता दीजिए, हुकूमत को हिलाने का टाइम है। तमाम लीडरान कहते थे मैं खड़ा हूँगा, तुम्हारा ये भाई अल्लाह का एहसान है कि अकेले जो है खड़ा होके आज ये आप लोगों ने देख लिया। मालेगांव शहर में हर घर में जाके जो है ये वोटे मांगने का सिलसिला है, हम लोग रोजाना कर रहे हैं, सिर्फ मालेगांव शहर में ही नहीं, हमारे आउटर में भी, धुलिये में भी, झोड़गा, अरवी, जितना हो रहा है ये आप लोग जो है ये लोग आए हैं, इनसे भी मालूमात ले सकते हैं। मैं खास तौर से मेरी माँ बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी में हमारे लीडरान जो है एसी में सो रहे हैं, और हमारी माँ बहने मेरे लिए जो एक आपका बच्चा शहर का, इसके लिए जो है वोट मांगने के लिए निकल रही है। शर्म करो, आज भी टाइम है हमारे पास, आज भी टाइम है, क्योंकि 20 तारीख को आप मुझे 12 नंबर पे वोट देंगे तो सिवाय अल्लाह ताला कोई नहीं देखेगा। आप मोदी से मत डरो, डॉक्टर भामरे से मत डरो, ये जो बाहर की जो कांग्रेस की हम पे थोपी गई है ये सिर्फ ये आप लोगों को एड़ा बनाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप देख लो, ये 1% नहीं, ये 10% कोशिश सिर्फ मेरी जो है 4 दिन की है। आप लोग मेरा साथ दे देंगे तो 100% जो बोलते हैं मस्जिदों से, 100% इंशाल्लाह वोट दो, जो है हुकूमत तो हिलेगी। मालेगांव शहर को क्यों बदनाम कर रहे हैं हमारे लीडरान? आज मैं छोटा सा, मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रर या कोई बहुत बड़ा सियासी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है कि उठ और लड़, ये अल्लाह का बेपना एहसान है कि मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, कोई मुझे घर नहीं भरना है। आप लोग जिस तरीके से अभी रैली में निकले हर मालेगांव की हर वार्ड की माँ बहने, तो इसी तरीके से हमको वोट देना हमारा जमहूरी हक है। इसलिए 20 तारीख को आपके अपने शहर का आपका छोटा सा बच्चा भाई ये खड़ा हुआ है, ये नुमाइंदा आपके शहर में 5 साल रहेगा, चाहे जीत हो चाहे हार हो ये आपके बीच में रहेगा। और अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि मैंने 2 टर्म में कारपोरेटर रहते हुए मेरे वार्ड में, आजू बाजू में और शहरियान की क्या हेल्प करता हूँ ये आप लोगों का बहुत खूबी मालूम है, मुझे ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि आज जो है मेरी माँ बहने जो है दोपहर से वोट मांग रही है घर घर जा करके, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और संविधान जो ये है हमको इसको बचाना है, इसलिए मैं ये जो मुस्तकीम डिग्निटी ने बनाया है ये इसको समझो,
आज जो चिल्ला रहे तो वो लोगों को भी मेरा साथ देना चाहिए था। सिर्फ संविधान खतरे में बता करके जो है कोई मतलब नहीं। संविधान को बचाना है तो मुझे वोट दो। आसिफ शेख रशीद से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मुझे वोट दे। आप भी कांग्रेस रहने के लिए बोले थे। इसी तरीके से यूनुस दादा फैमिली को बोलूंगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं आपका बच्चा हूँ, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं लड़ता हूँ। मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि जो भी है भेदभाव को खत्म कीजिए। आप जो ये कर रहे हैं ये तमाम बिरादरान वतन के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए आज भी सवेरा 20 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक भारी अक्सरियत में 12 नंबर बटन बैट्समैन जो के मालेगांव शहर में हर घर में नहीं पूरे हिंदुस्तान का पसंदीदा खेल है, वो निशानी अल्लाह ने मुझे दी है, तो उस पर भारी अक्सरियत से वोट दे। बहुत बहुत शुक्रिया।